बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाज़रीन, आज हम लबैटी में मौजूद हैं, जिस जगह पे पीटीआई की कामयाबी, चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान की कामयाबी हुई है। हमारे साथ एमपीए पीटीआई की मुसर्रत जमशेद चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा आज का ये दिन और आज की ये रात पीटीआई की कामयाबी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैम, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पीटीआई की कामयाबी है, चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी, इमरान खान साहब की कामयाबी है, आपको कैसा लगा? जी आज पाकिस्तान जीता है, पीटीआई नहीं जीती, 22 करोड़ आवाम जीते हैं, मेरा पंजाब जीता है, मेरे इस वतन के ये छोटे बच्चे, ये जवान, ये बूढ़े, माएँ, बहनें, बेटियाँ वो जीती हैं जिनके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दों वाली शेलिंग की थी। इन्होंने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बनाए थे, इन्होंने हमारे बच्चों की गाड़ियाँ तोड़ी थी, इन्होंने डंडे बरसाए थे। आज जितना मर्जी इन्होंने पैसा चलाया, आज डॉलर हार गया, अमेरिका हार गया, अंदरूनी सहूलतकार, बैरूनी सहूलतकार सब हार गए। आज मेरा वतन जीत गया, आज हम हकीकी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज यहाँ पे किसी की कॉल पे हम नहीं आए। आज अच्छा मैम, अगर अल्लाह ना करे आज रात 2 बजे हलफ नहीं उठाया जाता तो इसके बाद आगे क्या होगा? कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह कोर्ट ने कह दिया है, इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब हलफ ले लेंगे। आज हकीकी मानों में देखो, मुल्क की आज़ादी के बाद अब आगे का सफर तय होना, पीछे का नहीं। सुबह 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 मिठाई तैयार है, सुबह मिठाई तैयार है जी, मिठाई तैयार है सुबह इंशाल्लाह। हाँ ना, अभी ये जश्न बहुत हो रहा है इंशाल्लाह।